Thank you so much, Bacho, for watching first part video for science solution actually, जो सीबीएसई ने यहाँ पे रिलीज किया था उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर को। अब ये सेकेंड पार्ट यहाँ शुरू होने जा रहा है, आशा है वो भी आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी, और कुछ गलतियां हो तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अब आपसे कहा के आ गया कि हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन कब बन किस पे डिपेंड करते हैं बेटे, ये कुछ आपको आपको टेबुलेशन वर्क दिया गया है जिसके थ्रू आपको एक ग्राफ पे बताया जा रहा है कि 2000 में आपको जो पीएच वैल्यू रहा है कुछ 5, अब 2001 में पीएच वैल्यू 5 और 2002 में पीएच वैल्यू बढ़ गया बेटे 5 और 6 के, 5 से ऊपर चला गया है। अब यहाँ पे टू इस तरह से सबके 3, 4, 5, 6 सब जगह आपको पीएच वैल्यू अलग अलग दी गई, और आपसे पूछा जाएगा किस में हाइड्रोजन आयन का कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। आप देखो बेटे जिसका कंसेंट्रेशन, देखो कंसेंट्रेशन किस पे डिपेंड करता है मैं आपको बताता हूँ बेटा, ये आपका एच आयन पे डिपेंड करता है, यानी कि आयन अगर ज्यादा बनते हैं तो पीएच वैल्यू कम हो जाती है, या पीएच वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीएच वैल्यू बढ़ती है तो आयन कंसेंट्रेशन घटेगा, या आयन घटता है तो पीएच वैल्यू बढ़ती है, आयन बढ़ता है तो पीएच वैल्यू कम होती है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहां पर आपको निकालना है हाइड्रोजन कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटे, अगर आपको हम क्या 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 बोला गया यहाँ पर हाइएस्ट यानी कि ज्यादा निकालने के लिए बोला गया, अगर ज्यादा निकालना है तो पीएच कम से कम होना चाहिए, तो कम से कम पीएच कहाँ दिखाई दे रहा है बेटे, इस पॉइंट पे दिखाई दे रहा है राइट। ये हमारा आंसर यानी कि कौन सा ए रहा है, ये 2008, तो 8 आपका आंसर ये रहा, क्लियर बेटे। तो पीएच वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन पे डिपेंड करती है राइट। अब हाइड्रोजन आयन अगर आपको ज्यादा करना है तो पीएच वैल्यू कम हो जाएगी, बस इतना सा ध्यान देना है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज द रीजन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एमजी टेस्ट ट्यूब बी, ओके एमजी इज हायर एलिमेंट इन टेल, ओके राइट राइट राइट, डायग्रेशन रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड, ओके ओके हाँ राइट बच्चों। यहाँ पर क्या दिखाया गया, 3 4 एक्सपेरिमेंट एबीसीडी आपको दिखाई दे रहे हैं, जिंक है और ये डायल्यूट एससीएल राइट। तो अब इसमें जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स डाले गए हैं टेस्ट ट्यूब में, इसके बाद दूसरे में क्या हो रहा है कि यहाँ पर एमजी डाला गया है यानी कि मैग्नीशियम, वही एससीएल के साथ, यानी कि यहाँ एससीएल है और यहाँ पर एससीएल, एससीएल 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 तीनों में एससीएल है। अब यहाँ पर जिंक है इस टेस्ट ट्यूब में, यहाँ पर मैग्नीशियम है और यहाँ पर आयरन है और यहाँ पर कॉपर है बेटा, और चारों में एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ठीक है, मेटल हो गए चारों अलग। अब देखो नीचे जो मेटल दिखाई दे रहे हैं कॉपर और आयरन और जिंक, ये नीचे ही है, सब नीचे मिल रहे हैं, लेकिन मैग्नीशियम जो है वो ऊपर दिखाई दे रहा है, इसका क्या मतलब हुआ, ये जो आपका भरा हुआ किससे है भाई, यहाँ पर किसका एससीएल का सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में, यहाँ पर एससीएल नीचे होगा लेट से, तो अब ये जो है मैग्नीशियम जो है वो ऊपर की तरफ चला गया, दैट मीन्स द मैग्नीशियम इज नाउ फ्लोटिंग, वो ऊपर फ्लोट कर रहा है, वो ऊपर तैर के ऊपर चला क्यों गया, दैट मीन्स हल्का हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ पर इसको हल्का कर देती है। देखो बेटा अब रिएक्टिविटी की बात मैंने अभी समझाई आपको और मैंने आपको बताया भी केदारनाथ वाला एग्जाम्पल ठीक है ना, तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है कि देखो जिंक एंड फेरिक एंड कॉपर इनसे सबसे ज्यादा ऊपर मैग्नीशियम आता है, दैट मीन्स मैग्नीशियम इन कंपेरेटिवली इन सबसे हाईली रिएक्टिव है, और वो रिएक्ट करेगा किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ओ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जैसे उसके साथ क्रिएट करता है। और मैंने अभी आपको समझाया था बेटा जब भी मेटल प्लस एसिड होगा तो क्या होगा बच्चों, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में एक हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और यही हुआ, यहां पर भी हाइड्रोजन गैस निकली, यहां भी निकली, यहां भी निकली, लेकिन ये हाईली रिएक्टिव होने के कारण हाइड्रोजन गैस जो है इसके चारों तरफ चिपट जाती है बिल्कुल, और वो हल्की होती है, वो उसको और ऊपर की तरफ ले जाती है जिसके कारण वो फ्लोट करने लग जाता है राइट। तो यही आपको इसमें इसका रीजन आपको समझाना है, तो पहले ले लेते हैं भाई, एम जी इज लाइटर एलिमेंट देन डायल्यूट, यहां तो बात समझ में नहीं आई बेटा, तो एम जी रिएक्ट्स विद डायल्यूट एससीएल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, यस बिल्कुल सही है,
हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा भाई, एंड विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग, वो उसको मदद करता है फ्लोट करने में। ये सही बिल्कुल जो मैंने बोला। तो आप दूसरा और देख लेते हैं, चलो डायल Mg reacts with dilute HCl to produce nitrogen gas। यहाँ nitrogen gas कहाँ से निकल गई, ये तो निकल नहीं था बेटा। फिर यहाँ पे कहता है Mg reacts with HCl and produce CO2 gas, ये भी कहाँ से आ गई। तो बेटा nitrogen gas और carbon dioxide gas ये तो बनता ही नहीं है। अब इन दोनों की बात हो रही है तो यहाँ पर आपको HCl जब रिएक्ट कर रहा है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस की बात ही नहीं करता है बेटे, तो इसलिए पहली बात तो हाइड्रोजन गैस निकलनी चाहिए थी, उसका जिक्र ही नहीं किया है हमने, वो यहाँ पर कर दिया है बेटे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बहुत सुटेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। अब ये मैंने एग्जाम्पल फिगर भी दिखाया है बेटा, देखो गौर से, यहाँ अगर एसिड है कोई भी तो मैग्नीशियम को ब्राउन कलर का, जैसे आप उसी किसी भी कलर का हो सकता आप सपोज करें वो आप लेते हो, रिएक्ट करने के बाद कुछ कलर उसमें चेंज भी होगा उसके बाद वो क्या करने लगता है, ऊपर की तरफ देखो, सरफेस की तरफ ऊपर चला गया, नीचे था पहले ये, या नीचे है कुछ पोर्शन, अब उसके बाद ऊपर की तरफ उठना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कुछ मैग्नीशियम ऊपर की तरफ उठ चुके हैं, यहाँ उठ गया है राइट, कुछ अब नीचे है, उसके बाद वो भी हल्का हल्का ऊपर उठने लग जाएगा। तो ये एग्जाम्पल आपको दिखाया बेटा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। द टेबल बिलो गिव इनफॉरमेशन सब्सटेंस ए बी सी, ओके ओके, ये मैंने आपको राइट तो सब्सटेंस है आपके पास ए बी सी डी, मेल्टिंग पॉइंट उनका ये दिया हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिव ये दी गई है, गुड है पुअर है, पुअर है पुअर है, लिक्विड एक्विडिक, अच्छा लिक्विड एक्वस है, ओके इसमें पूछा क्या है भाई, द टेबल शोन बिलो गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट फोर सब्सटेंस ए बी सी डी, आइडेंटिफाई एनी कंपाउंड फ्रॉम द ओवर, अच्छा राइट, तो आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, तो आयनिक की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे क्लियरली लिख दिया बेटा, आयनिक की प्रॉपर्टी के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए बेटा, तो मेल्टिंग पॉइंट हाई, दूसरी चीज वो गुड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है बेटा, तो उसमें लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है ये डिपेंड करेगी सॉलिड में या लिक्विड में, तो सॉलिड में कंडक्टिविटी बहुत ही कम हो जाएगी जबकि लिक्विड में उसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो जाती है, ये आपको ध्यान देना है बेटे राइट। और उसका तीसरी कंडीशन है एक्वस सॉल्यूशन, अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो वो पानी वाटर का उसका उसमें डाइल्यूशन ज्यादा है तो और ज्यादा वो फास्ट हो जाता है उसकी रिएक्टिविटी, तो दैट मीन्स इन तीनों चीज को आपने माइंड में रखना है, फिर आपने बताना है कि आयनिक कंपाउंड किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो अब देखो बेटा अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसमें ये तीनों चीज गुण होने चाहिए, क्या ये तीनों चीज यहाँ पर है, देखो बेटा यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है 295, 1200, 1800, 1100, दैट मीन्स ये सबसे कम है, तो आप तीनों में ये तीनों जगह ज्यादा है इनमें से ले सकते हैं बेटा। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी सॉलिड में, तो मैंने क्या बोला था अगर ये सॉलिड है और ये लिक्विड है बेटा, तो लिक्विड में ज्यादा होगी, तो लिक्विड में ज्यादा कहाँ पर है, एक दो तीन यहाँ पर ज्यादा है बेटा, इन तीनों को लेंगे राइट, इसका मतलब ये नहीं ले सकते, तो ये वाली लाइन तो रिजेक्ट हो गई, ये वाला नहीं ले सकते, ये भी रिजेक्ट हो गया, अब ये दोनों बचे बेटे ठीक है ना। अब आपको बोला सॉलिड के अंदर पुअर होती है, बिल्कुल सही बात है, अब सॉलिड में पुअर है ये भी पुअर है ठीक है, दोनों गुड है लिक्विड है दोनों गुड होते हैं, तो ये भी सही लग रहा है बेटा, ये भी सही लग रहा है, समझ में आ रही है बात। अब हमें ये देखो ये दोनों क्या है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा है, दोनों का ही ज्यादा है, दैट मीन्स बी और सी दोनों करेक्ट बेटा, समझ में आ गई बात, क्योंकि कंडक्टिविटी क्या है दोनों सॉलिड में पुअर होती है और दोनों लिक्विड में ज्यादा होती है हाई होती है, तो वो भी दोनों लिखा हुआ, मेल्टिंग भी दोनों का ही है, तो दोनों ही आंसर हो जाएंगे, बी और सी वाले ऑप्शन क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। विनय ऑब्जर्व द स्टेन ऑफ करी ऑन व्हाइट शर्ट बिकम्स डैडिश ब्राउन, ओके व्हेन सोप इज स्क्रब ऑन इट, देखो बेटा जब आपके पास व्हेन विनय ऑब्जर्व दैट इज स्टेन ऑफ करी, यानी कि जो आप खाना वाना खाते हैं उसका जो लिक्विड है आपका जो तरल पदार्थ होता है एक्चुअली अब वो करी फॉर्म में होता है, तो खाते खाते आपकी शर्ट भी गिर जाता है राइट right? अब जैसे वो रेडिश ब्राउन जो भी है, लेकिन जब वो करी आपके ऊपर गिरती है तो अगर आप उस शर्ट को धोते हैं साबुन से तो इमीडिएटली उसके अंदर उसमें रेडिश ब्राउन वो कलर दिखने लग जाता है, यानी कि वो स्पॉट को रेड शर्ट में स्पॉट जो रेड ब्राउन का बन जाता है, वो क्यों होता है, क्योंकि साबुन यानी सोप उसको
NaOH जो है उसे रिएक्ट करके ऐसा कर देता है, तो वो एक कलर दे देता है बेटे, राइट। और दूसरी चीज, खाने के अंदर और भी बहुत सी चीजें होती हैं जिसकी वजह से वैसा सिचुएशन आती है, यानी फूड है, टर्मरिक है, ऐसी चीजों का हम यूज करते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया, रेडिश ब्राउन हो जाता है। चलो, बट इट टर्न्स येल्लो, लेकिन ये येल्लो बन जाएगा कब, जब व्हेन इट शर्ट इज वॉश्ड विद प्लेंटी ऑफ वाटर। ओके, व्हाट माइट बी द रीजन फॉर हाई ऑब्जर्वेशन, सोप इज एसिडिक इन नेचर, सोप तो एसिडिक होता है नहीं, वो तो बेसिक होता है, ये गलत हो गया बेटा, सोप इज बेसिक इन नेचर, ये बिल्कुल सही है। चलिए, टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, बिल्कुल नेचुरल, हल्दी से बोलते हैं बेटा, नेचुरली तो आता है, आर्टिफिशियल तो है ही नहीं, पहला पार्ट तो सही है। विच गिव्स रेडिश टिंज इन बेस, अगर बेस में डालोगे हल्दी को तो बेटा उसका सॉल्यूशन कलर रेडिश हो जाएगा क्या, ये कलर आपको याद रखना बेटा। तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड वाला करेक्ट। तो ये आंसर अब आपके पास ऑप्शन बने, सॉरी रह गया क्या, राइट। तो अब ऑप्शन वन आपका वन गलत है, टू सही है और आपका थर्ड भी सही है, तो टू एंड थर्ड यानी कि बी इज योर राइट आंसर, राइट बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स वुड द बल्ब ग्लो, राइट राइट। चार ऑप्शंस दिए गए बेटा, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पे कहा क्या गया है कि एक बल्ब को जलाना है और जो बीकर के अंदर ना सॉल्यूशन है HCl का, दूसरे बीकर में सॉल्यूशन है शुगर, शुगर है, तीसरे में अल्कोहल इन वाटर और चौथे में जो है लाइम वाटर, राइट, चूने का पानी है बेटे। अब आपको ये बताना है कि बल्ब किसमें चलेगा ग्लो, फॉलोइंग व्हाट द बल्ब किसमें चलेगा। देखो बेटे, बल्ब यानी इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए वहां प्रोड्यूस ज्यादा होती है या होती है जब सॉल्यूशन के अंदर आयन प्रोड्यूस होते हैं, और आयन कहां प्रोड्यूस होते हैं बेटे, अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा, तो मैं हाइड्रोजन आयन की बात करी थी ना अभी, एग्जैक्टली वही, तो वो हमेशा किसमें प्रोड्यूस होंगे, जो एसिडिक यानी कि लाइम और ये HCl, ये रहा ये हमारा एसिड है, तो बेटे शुगर में तो होगा नहीं, वो एसिडिक है नहीं, राइट। इसी तरह से अल्कोहल में भी नहीं होगा, तो अब आपके पास ऑप्शन बच गया कैल्शियम लाइव वाटर, तो यानी फर्स्ट ये आपका क्या बोला है इसमें, राइट राइट, शुगर और अल्कोहल इसमें नहीं होने वाला, क्लियर हो गया बेटे। इसलिए अब आपके पास कौन सा बन रहा है बेटे, फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, ये मेरे को ऑप्शन समझ में नहीं आ रहे हैं बेटा, शायद मैं कहीं गलत लिख रहा हूं, आप चेक कर लेना, HCl और लाइम वाटर, इनमें आपका आयनाइजेशन होगा, आयन फॉर्म होगा जिसकी वजह से बल्ब ग्लो करेगा, तो ये दो आंसर होते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन शायद वन टू कहीं गलत हो भी सकता है, समय वन टू दिखाई दे रहा, देखो टू टू टू, तो ये शायद गलती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 पर आ गए हम, और 31 के अंदर कहा गया है assertion और रीजन का है, जैसे कि हमें पता ही है बेटा, तो इसमें क्या होगा, दो स्टेटमेंट दे दी जाएगी, दोनों गलत होंगे या दोनों सही होंगे, या एक सही होगा एक गलत होगा, तो उनमें से एक उसका रीजन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इन बातों को ध्यान में रखना है और आपको बताना है। चलिए, तो पहले सेशन में पहले स्टेटमेंट में क्या है, फ्रेश मिल्क इन विच बेकिंग सोडा इज एडेड, एक फ्रेश मिल्क है उसमें आप बेकिंग सोडा को मिक्स कर देते हैं, और बेकिंग सोडा बेटा बेस होता है हमें मालूम है, अब उसे दही बनना है तो कहता है कि वो बड़ा लॉन्गर टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा दही बनने में, क्यों, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है कि जब आप उसे दही बनाना चाहते हो यानी कि एसिडिक बनाना चाहते हो, तो साथ में आपने बेकिंग सोडा आपने डाल दिया, तो क्या होगा, तो अब बेकिंग सोडा तो बेस है तो वो उसको एसिड बनने से रोकेगा या कम करेगा, उसका मतलब उसको दही बनने में और टाइम लगने वाला, और ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि आपने बेकिंग सोडा डाल दिया है। अगर आप बेकिंग सोडा नहीं डालता तो आपने नेचुरल टाइम से वो जल्दी से बन जाते दही उसकी, राइट। तो पहली स्टेटमेंट तो समझ में आ गई, बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट, बेकिंग सोडा डिक्रीज द पीएच वैल्यू ऑफ, अच्छा पीएच वैल्यू ऑफ क्या, पीएच वैल्यू क्या होती है बेटा, देखो गौर से देखो, पीएच वैल्यू जो ये सपोज ये आपके पास क्या है, जीरो है, वन टू थ्री फोर यानी कि सेवन, उसके बाद होता है एट नाइन यानी 14,
तो 7 से 0 के बीच में पीच वैल्यू जो होती है वो एसिडिक होती है, हमें पता है। उसके बाद 7 और 14 यानी कि 18 और 14 बीच में आप जो होता है वो बेस होता है। अगर आपने उसमें क्या डाल दिया, बेकिंग सोडा डाल दिया, तो क्या होगा, बेकिंग सोडा उसको बेस बनाएगा, बेस बनाएगा तो उसकी वैल्यू 7 से ज्यादा बढ़ जाएगी, 8 हो जाएगी, 9, 10, 10, 11, 12, वो बेसिक बन रहा है। दैट मीन्स तो पीएच वैल्यू वो क्या इंक्रीज हो रही है, क्यों, बेस डाला है तो बेसिक बनेगा ना सोल्यूशन, राइट। तो यहां पर तो इसमें जो डिक्रीज बोला गया था ये स्टेटमेंट गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, ये कौन सा है भाई, पहला 1:2 एंड वो सी इज राइट आंसर, ठीक है ना, A:2 एंड R इज फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इंटू कंपोजिट इज एन एंडोथर्मिक। नहीं बेटा, एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब करता है बेटा, और एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है, निकलती है बेटा। तो जैसे कि आप खाना खाते हैं डाइजेशन होता है तो उसमें हीट निकलती है, तो इसी तरह से बेटे वेजिटेबल जब सड़ने लगता है गलता है उसका कंपोज बनता है तो रिएक्शन हो रही है उसमें, जिसकी वजह से उसमें गैसेस निकल रही है, दैट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, राइट। तो वो एक्सोथर्मिक हो रहा है, तो एंटी से बोला गया एंडोथर्मिक, तो पहली तो स्टेटमेंट गलत हो गई। अब पहली स्टेटमेंट गलत होगी, सेकंड को देखते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंगल रिएक्शन रिएक्टेड इनटू सिंपलर प्रोडक्ट। हाँ ठीक है, देखो अब डीकम्पोजिशन में क्या होता है, जो उसके जो जो भी प्रोडक्ट है या आइटम है मटेरियल है वो क्या होता है, स्मॉल पार्ट में ब्रेक हो जाता है, यही तो होता है ना, तो सिंपलर प्रोडक्ट जो है उसे ब्रेक हो जाएगा। हाँ दूसरा ठीक है, लेकिन पहला गलत है। तो पहला गलत कौन सा है भाई, ये आपका सही है और दूसरा आपका सही है। पहला गलत होगा तो आंसर क्या, उसमें करेक्शन तो एक्सप्लेनेशन तो होगा नहीं ना, तो पहला सही और दूसरा सॉरी पहला गलत और दूसरा सही वाला ऑप्शन सिर्फ डी ही बनता है बेटा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। रेजिंस एंड गम्स आर स्टोर्ड इन ओ गुड। इसका मैंने एक पिक्चर जानबूझ करके बनाया है आप लोगों के लिए दिखाने के लिए कि रेजिंस एंड गम्स आर कैसे स्टोर होते हैं ट्रीज के, यानी पेड़ में जो पेड़ जो ट्रीज है उनमें क्या होता है, वेस्टेज होती है, जो वेस्टेज बाहर निकल के आती है, तो कुछ इस तरह से भी दिखाई देगी खासकर से बड़े प्लांट्स में, तो वो गम्स के रूप में बाहर आ जाती है, तो बाहर की तरफ क्या होता है, डेड सेल हो जाते होते हैं, राइट। तो डेड सेल के ऊपर ये इकट्ठी हो जाती है, तो ये बात सही है। रेजिंस एंड गम्स स्टोर्ड इन ओल्ड एक्साइलम टिश्यूज इन प्लांट्स। तो जो ओल्ड होंगे वही तो पुराने, ओल्ड से मतलब डेड हो जाते हैं वो, राइट। ओल्ड कहे या डेड कहे आप ऐसे समझ सकते हैं, तो वहीं पर स्टोर होंगे, तो बाहर स्टोर है भाई, ये इस एरिया जो है डेड वाला एरिया है या ओल्ड वाला है, दैट्स व्हाई यहां पर ये होगी, ये तो स्टेटमेंट सही है। चलिए नेक्स्ट, रेजिंस एंड गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अच्छा पहला सही है, मतलब ये सी हो सकता है, बोथ ए एंड आर तो सही ट्रू हो ही सकते, राइट। बोथ ए एंड ट्रू दोनों सही है, तो उसमें उसका रीजन, आर इज नॉट द करेक्ट आंसर, रीजन ये इसका रीजन नहीं है बेटा, ठीक है ना, तो इसलिए ये रीजन जो है नहीं है, तो ये वाला तो बनेगा नहीं बेटे, इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ ये ठीक है, ठीक 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 राइट राइट, तो इसमें बोला गया करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका रीजन ये नहीं है, राइट, इसलिए बी इज राइट आंसर। चलिए बच्चों ये भी हो गया हमारा, सॉरी बेटे रीजन नहीं, यहाँ पे बोला गया रीजन है गम्स फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो बेटे यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स ये ट्रांसपोर्ट तो करता ही नहीं है, गम्स में तो डेड हो गए, रीजन वेस्टेज आ गई है, तो इसलिए ये तो फॉल्स ही बनेगा बेटे स्टेटमेंट, आर इज फॉल्स, रीजन भी नहीं कि एक्सप्लेनेशन भी सही नहीं है उसका, तो रीजन तो जाएंगे ही नहीं हम रीजन पे, आई एम सॉरी बच्चों। तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं बेटा। हाँ राइट, स्काई इज अपियर्स ब्लू इन द डे टाइम, ये तो सही है, ये ट्रू है। चलिए व्हाइट लाइट इज कंपोज, ये तो बहुत ही आसान है बेटे, इसमें 7 कलर होते हैं, दोनों ही सही है, पर ये इसका एक्सप्लेनेशन है क्या, अगर स्काई ब्लू होता है तो क्या 7 कलर्स की वजह से होता है क्या,
स्काई ब्लू होने के पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, सर्टेन इफेक्ट कह लो, जो स्पेस में मॉलिक्यूल्स होते हैं राइट, और उसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो चलिए यहाँ रीजन ये है, नहीं ये हमें क्लियर है, लेकिन दोनों बातें सही हैं, दोनों ट्रू के लिए। क्या भाई, ए इज ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज नॉट द करेक्ट आंसर। हाँ यहाँ बी ये सही है, ए एंड बी आर ट्रू बट नॉट द करेक्ट आंसर राइट। चलिए ये भी हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। 35, 35 में क्या है, टेबल आपका दिया है और क्या कहा गया, यस इसमें एक चीज छूट गई थी राइट, हाँ वो आ नहीं रही थी बेटा, हाँ राइट राइट राइट, हाँ टेबल गिव्स शो द रिएक्शन ऑफ यू एलिमेंट्स विद एसिड्स एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। ओहो राइट, एट एम विच ऑफ दिस एलिमेंट्स फॉर एम आ एम्फोट्रिक बेटा, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स राइट, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं बेटा, जो ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड के साथ एसिड की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और बेसिक बेस की तरह भी, तो इसलिए दोनों एसिड एंड बेस दोनों उसमें एग्जिस्ट कर सकते हो, तो ऐसे सब्सटेंस को ऐसे कंपाउंड को हम एम्फोट्रिक या ऑक्साइड्स जो बनेंगे उनके साथ जो भी कुछ बनेगा कंपाउंड ही होगा वो एम्फोट्रिक कहलाता है, कब, जब उसमें एसिड और बेस दोनों की प्रॉपर्टीज उसमें आ जाती है, जैसे कि मैंने फिर लिखा भी हुआ है, तो उसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड है, इन दोनों के अंदर बेस और एसिड की प्रॉपर्टीज है, तो बेस की तरह भी करते हैं और दोनों, ये एक है इसी को ले लो, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है वो बेस की तरह भी रिएक्ट करेगा और एसिड की तरह भी रिएक्ट करेगा, तो ऐसे रिएक्शन कहां पर है भाई, देखो यहाँ पे एसिड नहीं बोलता है, यहाँ पे बेस नहीं बोलता है, तो ये तो नहीं हो सकता, यहाँ पे एसिड सही बोला है इसने और बेस भी दोनों सही बोला, तो बी में दोनों चीज आ रही है, सी में क्या हो रहा है बेटा, एसिड है मगर बेस नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, और दोनों बेस एसिड एसिड, या गलत कर दिया शायद मैंने, ऑप्शन ही गलत कर दिया, आई एम सॉरी, ये दोनों एसिड और बेस दोनों बिहेव करेंगे बेटा, अब वो शायद बी होगा, इसमें शायद एक गलत लगता है, मैंने ऑप्शन इसमें गलत डाल दिया है राइट। एनीवे अब आपको समझ में आ गया बेटे, दोनों एसिड भी होगा और बेस, जो दोनों में करेक्ट होगा वही वाला ऑप्शन होगा, हो सकता है बी हो और डी, इसमें थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है मैंने इसमें करेक्शन शायद अपनी तरफ से किया है, हो गया होगा। चलिए बेटा 36 नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, ये तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ब्लड फ्लो थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल। देखो बेटे नॉर्मली क्या होता है, जो हम ह्यूमन बीइंग है या कॉम्प्लेक्स जो भी बॉडी दिखती है ह्यूमन बीइंग्स में या मैमल्स है, ये क्या होता है बेटे, इनके जो हार्ट जो फंक्शन करता है उस चार चैम्बर होता है, तो इसलिए वो दो तरफ से ब्लड डबल सर्कुलेशन होता है राइट, लेकिन कुछ एनिमल्स खास कर से स्पेशली एक्वेटिक जो एनिमल्स हैं जैसे कि फिश है या फिश की जितनी भी वैरायटी है वो सब यानी कि वन साइक्लिक होते हैं, उसमें दो ही चैम्बर होते हैं, तो इसलिए जो फिश की प्रजाति है यानी वही स्पीशीज जो जितनी भी होंगी वो सब वन साइक्लिक होगा उसमें हार्ट का, ये आपको याद रखना है, तो ब्लड सर्कुलेशन जो है वन टाइम चलेगा उसमें, जबकि चार चैम्बर जहां होते हैं जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग वगैरह उनमें ऐसा नहीं है, उनमें वो डबल होता है, तो बस वही देखना है बेटे, तो रैबिट पैरट ये सब क्या है बेटे, एनिमल्स है तो इसमें तो ये बनता ही नहीं है, तो फ्रॉग वो भी एनिमल्स, क्रोकोडाइल आ गया तो इसमें भी नहीं बनता है, व्हेल फिश है ठीक है ये इसमें बनेगा, लेबियो पेंगुइन ये क्या है लेबियो, ये सब ये इसमें भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा बेटा, शार्क है डॉग फिश है स्टेनी रे राइट, ये आपके दो ये डी वाला ऑप्शन में ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है ये क्या है एक्वेटिक है, दैट मीन्स जो पानी में रहने वाले जलचर है, क्लियर, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन डी मैच करता है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, व्हाट इज द कॉमन बीटा एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स अराउंड वॉल्स ऑफ एल्वियोली एंड इन ग्लोम्यूल्स ग्लोम्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके तो यहाँ पे एल्वियोली के बारे में बताना है और ग्लोम्यूल्स ग्लोम्यूल्स ऑफ नेफ्रॉन। ओके इन दोनों की प्रॉपर्टी को बताना है, चलिए देख लेते हैं भाई, इसमें क्या बोला गया है कि थिक वॉल आर्टरीज रिचली सप्लाइड विद ब्लड राइट, ब्लड तो सप्लाई करते हैं भाई बात तो सही है, बट थिक वॉल्स नहीं,
मैंने आपको भी बताया था जो वॉल्स थिक नहीं होती, वॉल थिन ही होगी बेटा, थिन और ये थिन, थिक तो होंगी नहीं, मोटी मोटी कैसे हो जाएंगी, बहुत ही इवन उनको कैपलरीज रिएक्शंस करनी पड़ती हैं, तो वो बहुत ही पतली होनी चाहिए तभी वो पॉसिबल है, दैट्स मीन्स कैपलरी रिएक्शंस के लिए यही बनती हैं, राइट। और इसमें बोला गया थिन वॉल वेन पुअरली सप्लाई, नहीं, ब्लड तो सप्लाई करती है अच्छी तरह से करती है, बल्कि बहुत ज्यादा, इसलिए पुअरली सप्लाई नहीं चलेगा ब्लड का, रिच सप्लाई ऑफ ब्लड ये चलता है, ठीक है। दैट मीन्स तीन वाल होती हैं क्योंकि वो कैप रिएक्शन करनी पड़ता है, करना पड़ता है उन्हें, और ब्लड की वो ज्यादा से ज्यादा सप्लाई उसमें उसकी सपोर्ट होती है, उसे करनी पड़ती है, दैट्स वाई उस जो ये एल्वियोली है या नेफ्रोन्स के है, ये बहुत ही ज्यादा बारीक और पतले होते हैं, तो इसलिए थिन होना इनका जरूरी है क्योंकि उसे कैप रिएक्शंस भी होनी है, इसलिए डी इज द राइट आंसर बच्चे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 38। प्लांट्स आर कंप्लीटली डिफरेंट प्रोसेस फॉर एक्सक्रीशन एज कंपेयर टू एनिमल्स, विच वन ऑफ दिस नॉट फॉलोड बाय प्लांट्स। अब ये बताना है कि ये किसमें, ये प्लांट में एक्सक्रीशन के रिगार्डिंग, यानी कि प्लांट जो एक्सक्रीशन करते हैं, ठीक है, वेस्टेज बाहर निकालते हैं, तो इसके बारे में ये चार स्टेटमेंट दिए हैं, एक गलत दी गई है, यानी एक फॉल्स है, बाकी तीन ठीक है। चलिए, दे कैन गेट रिड ऑफ एक्सेस वाटर बाय ट्रांसपीरेशन। हाँ ये तो सही है बेटे, तो बिल्कुल वाटर तो ले सकते हैं, ट्रांसपीरेशन होता है वाटर का उसमें, तो दे सेलेक्टिवली फिल्टर टॉक्सिक सब्सटेंस थ्रू देयर लीव्स, ये गड़बड़ है बेटे। सेलेक्टिवली के मतलब खास सी चीज को ही, टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे अनवांटेड, जो जिससे परेशानी हो सकती है, थोड़े से जहरीले होते हैं, उनको ये सेलेक्टिवली लेता है थ्रू लीव्स, ऐसा तो ऐसा नहीं है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजिन एंड गम्स इन ओल्ड, हाँ ये तो अभी अभी सवाल किया, जस्ट वेस्ट प्रोडक्ट इसमें होता ही है, रेजिन एंड गम्स होता है, ओल्ड सेल हमें होता है, डेड डेड सेल्स होते हैं बाहर, राइट। चलिए, दे एक्सक्रीट वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉयल के अराउंड, हाँ नीचे की तरफ ही निकलते हैं सारे वेस्टेज, समझो ये आप सॉयल के आसपास कह लो, रूट्स के ऊपर वाला ऐसे ही होगा ऑब्वियसली, तो आप उसकी तरफ वेस्टेज बाहर निकलती है, ठीक है। अब ये डी भी सही है, दैट मीन्स ये ही सही, गलत है कि ये फिल्ट टॉक्सिक सब्सटेंस को फिल्टर करना है, सेलेक्टिवली करता है, ये गलत है बेटे, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। तो चलिए, ओके बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 39 है आपके सामने, इसमें कहा गया है, इफ द पावर ऑफ अलायंस इज -4.0 डी, डी मीन्स डायोप्टर, तो जब भी पावर दी जाती है बेटे, तो वो हमेशा आपको ध्यान रखना है, उसका यूनिट जो है डायोप्टर के एज ए डायोप्टर इसमें लिखा जाता है शॉर्ट डी में, राइट। तो लेंस की पावर अगर आपको दिया है, तो उसका फोकल लेंथ निकालने का फार्मूला है बेटे, जल्दी से वो निकाल करके रख देते हैं, तो बहुत आसान बनने वाला है बेटे, तो ये फोकल लेंथ है 1/डायोप्टर, और इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए आपको into 100 करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है बेटे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे 1/-4, आपको दिया हुआ है यहाँ पर -4, ये लिख दिया, into 100 कर दे, सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो -25 निकल करके यहाँ आ जाता है, तो -25 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ निकल गया। अब क्योंकि इसकी पावर माइनस है, तो माइनस कब होगी बेटे, जब लेंस कॉनकेव होगा तभी होगा, कॉन्वेक्स होगा तो बेटे वो प्लस हो जाता है, दैट मीन इधर होने के लिए उसे फोकस को यहाँ होना चाहिए, कॉनकेव होना चाहिए, तो ही ये नेगेटिव होगा, दैट मीन्स कॉनकेव, तो आपके पास ऑप्शन कॉन्वेक्स, ये -25 के लिए ये है और एक ये है, अब ये हमारा कॉन्वेक्स है तो ये नहीं हो सकता, तो सी इज अवर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, 40। रेज, ओके, रेज फ्रॉम द सन का कन्वर्ज एट 0.15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, तो एक कॉन के मिरर है ये लीजिए, अब यहां से रेज सन कवरेज 15 सेंटीमीटर एट ए पॉइंट, ओके ये कह रहा है बेटा, यहां से रेज इधर से आती है यहाँ पर, और वो उसके बाद वो यहाँ पर कहीं पर आकर के कन्वर्ज हो जाती है, कन्वर्ज मतलब इकट्ठी हो जाती है, इधर से रेज यहाँ पर आई लाइक दिस, राइट, और उसके बाद वो यहाँ पर, यानी कि ये उसका एफ होगा बच्चे, तो ये कन्वर्ज होंगी, सारी रेज यहाँ से आएंगी तो यहीं पर इकट्ठी हो जाएंगी, इधर से ये गई फिर ये यहाँ पर चली गई, ये जो कन्वर्जिंग पॉइंट यानी कि एफ पर जाती है, तो ये जो डिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है 15, कितना दिया है बेटा 15 दिया है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमारा 15
15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। चलिए आगे सवाल, एंड व्हाट वेयर शुड बी एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अगर इमेज को आपको सेम साइज का बनाना है तो ये हमारा एफ अगर हो गया तो बेटे 2F क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो F का डबल होगा 15, यानी कि ये भी 15, तो ये भी 15 हो जाएगा, राइट, हाफ ऑफ, यहां से यहां टोटल लेंथ हो जाएगा 30। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा जाता है तो वहीं पर ये इक्वल साइज देगा, और वो भी कहां, इसी के नीचे, तो यहां पर इक्वल मिलेगा, तो यहां का डिस्टेंस आपको लेंथ निकालनी है, तो कितना हो जाएगा बेटे 15 15, यानी कि 30, तो 30 इज योर आंसर, 30 सेंटीमीटर। एक तो ये है, 15 है, 15 तो 30 होगा, नहीं होगा मोर देन 30, ये नहीं होगा, ये हमारा आंसर निकल गया, राइट बच्चों। चलिए, तो वैसे आप फिगर्स को भी मैंने बनाया हुआ था, तो आप यहां से भी देख सकते हैं बेटे, ये आपको लेंथ आपको 15 दी गई थी आपको, और कर्वेचर आपको यहाँ पे पूछा, यहाँ पर ये इक्वल होता है तो वो डिस्टेंस मैंने निकाल दिया बेटा, आप इसे ऐसे चाहे कर सकते हैं। ये देखिए बेटा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको सिर्फ मैंने डायग्राम दिखाने के लिए आपको रखा है, कि इसमें यह पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी, यानी कि जो उसके वेस्टेज वगैरह है वो भी है, या वहीं से रिजनरेट करता है, कुछ भी कह लो, वो मशरूम में ही ऐसा होता है, ब्रेड मोल्ड है वहां पर भी ऐसा होता है वो, और फूड के बाहर हो जाता है वो सब, राइट, तो बाहर के लिए आपको ब्रेड में ही पॉसिबल है बेटा, मशरूम में भी है, राइट, ग्रीन प्लांट्स में तो होता है, पर सभी में नहीं होता बेटे, खासकर से यानी ग्रीन प्लांट्स में नहीं, उसमें नहीं कहेंगे आउटसाइड, राइट, तो जैसे मशरूम है जो एक्चुअली साइप्रोटॉप्स जो होते हैं वही होंगे बेटा, ठीक है ना, तो उनमें क्या होता है, वो वही पर लाइव जो ऑलरेडी ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं से वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सो दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू डाइजेस्ट और डाइजेस्ट द फूड लाइक ह्यूमन बीइंग अस, ठीक है ना, तो दैट्स व्हाई दे डिपेंड ऑन अदर्स, तो वो क्या करते हैं, जो जिंदा लोग हैं, जिंदा लाइव ऑर्गेनिज्म है, उन्हीं के अंदर जाके उन्हीं से अपना बना बनाया भोजन रेडी ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं या चूस लेते हैं, राइट, जैसे कि आपको पता ही है जोंक है, कटमल है, जू है, यही काम करती है, इसी तरह से ब्रेड मोल्ड में भी यही काम होगा आउटसाइड, इसलिए ईस्ट में मशरूम में ब्रेड में ये होगा, पैरामिसिन तो खैर है वो तो अपना बना लेते हैं, तो ये तो बनेगा ही नहीं, तो कैस्केट वगैरह ये है, लाइस, हाँ लाइस का ही बनता है, टेप वॉल का नहीं बनता है बेटा, राइट, तो चलिए ये आपका ऑप्शन बन गया हमारा आउटसाइड के लिए, ब्रेड मोल्ड, मशरूम और ईस्ट, तो ये दिखाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर फिगर रखा था, ये फिगर्स में क्लियर हो गया था बेटा। चलिए नेक्स्ट को लेते हैं, इन ए पर्सन ट्यूबल द ट्यूब्यूल पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज नॉट फंक्शनिंग एट ऑल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द, ओके हाँ ये फिगर मैं आपको देता हूँ बेटे, देखो अब ये नेफ्रॉन का है, देखो इन एक्चुअली इसका मेन पर्पस क्या है, कि आपकी आपके देखो डेफिनेशन आगे आप समझोगे, तो ये जो मेन फंक्शन है ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, रेड आपको दिख नहीं रहा, अब चलो, तो अब ये जो है मेन क्या काम है बेटे, जो हमारा जैसे ब्लड है, अब इसमें वेस्ट तो आएगा ही, तो आपका वेस्ट सॉलिड वेस्ट या लिक्विड सॉलिड वेस्ट जो भी है, दोनों वेस्ट बॉडी से बाहर जाने होते हैं, स्पेशली हम यूरिन की बात करते हैं, वो लिक्विड वेस्ट है, वो जब बाहर जाएगा तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं उसे फिल्टर करना जरूरी है, राइट, जैसे उसके अंदर बहुत सारी चीजें, सपोज कीजिए अब वो विटामिन या प्रोटीन अभी भी उसमें बाकी बचे होंगे, या कुछ वाटर होगा वो भी अभी बाकी बचा होगा, तो उसे प्रॉपरली फिल्टर करके जो बाकी वेस्ट होगा उसको ही वो निकालता है, पहला चीज तो ये समझ में आ गया। अब दूसरा बात की गई है कि इसका पर्टिकुलर पार्ट है ये आपका ट्यूबोल, ये देखिए ट्यूबोल लिखा है ना, यानी कि ये वाला पार्ट जो है ट्यूबोल का, ये आप भी मान के चलिए, अगर ये फंक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा, तो बेटे जो वाटर जो है आप बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, राइट, बाकी और भी प्रॉब्लम रहेगी, पर यहां पर क्योंकि हमें जो ऑप्शन दिए उसके हिसाब से हमें वाटर मोर डाइल्यूटेड वाली बात ज्यादा जमती है, बाकी और भी रीजन है, जैसे कि मैंने बोला कि इसे मैंने बताया कि वो वाटर अगर ऐसा काम ये नहीं करेगा तो उसके अंदर जो जैसे बहुत सारे विटामिन प्रोटीन या
और बहुत सारी चीजें होती हैं वो, या मिनरल्स होते हैं, वो उनको कलेक्ट नहीं कर पाएगा, उसमें से फिल्टर नहीं कर पाएगा, वो इसमें लिखा ही नहीं है, तो हम उस बारे में नहीं जाएंगे। तो चलिए, तो बाकी आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिख दिया है, तो जो भी मिनरल्स वगैरह होते हैं वो उसको भी वो आपसे एब्जॉर्ब कर लेता है, तब जाकर के बिल्कुल नाकाम की चीज होती है उसको ही बाहर जाने देता है। अगर ये काम नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो चीज भी नहीं होगी, फिल्टर भी प्रॉपरली नहीं होगा, जैसे कि मिनरल्स हैं, कुछ एक्सेस वाटर है, राइट, तो वो सब स्टोर होने लगेगा, वेस्ट वाटर वगैरह जो भी है वो अब बहुत ज्यादा उसमें वाटर अमाउंट बढ़ जाएगा। तो इसलिए ये डी वाला ऑप्शन हमें मिलता है बेटा, ठीक है। मेन आपको यूरिन का ही समझना है, लिक्विड वेस्ट के बारे में समझना है। तो चलते हैं, नेक्स्ट है, इफ द रियल इमेज ऑफ कैंडल फ्लेम फॉर्म बाय लेंस इज 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम। ओके, यहाँ तो आपको एग्जाम्पल ही लेते हैं बेटा, यहाँ पर क्या बोला गया है, साइज ऑफ फ्लेम डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज 8 इज, ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, 1/f। हम जानते हैं बेटा लेंस का न्यूमेरिकल, अगर एफ बी यू तीनों में से अगर आपको दो दिए हैं तो आप फॉर्मूला यूज करके 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, लेंस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएंगे, अगर वो मिरर है तो प्लस का फॉर्मूला यूज करेंगे, दो में से तीन में से दो दे देगा, एक आप निकाल सकते हैं। बहुत ही मक्कल सवाल है, तो चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं हमें क्या क्या दिया है बेटे। द रियल इमेज ऑफ ए कैंडल फॉर्म बाय लेंस इन 3 times द साइज ऑफ द साइज दिया, एच हाइट दी गई है बेटे, यानी कि मैग्निफिकेशन दिया गया है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, किसके लिए बता रहा हूँ, लेंस के लिए याद रखना है बेटे, वी अपॉन यू होगा, अगर वो मिरर होता तो माइनस वी अपॉन यू होता, बस ये ध्यान देना है। इसी तरह से 1/f के लिए वो क्या हो जाएगा, माइनस का होगा, अभी मैं बताता हूँ आपको। तो पहले आपको आपको मैग्निफिकेशन दिया गया बेटे, 3 times बोला गया है, यानी कि 3 बोला गया है। अब वी एंड यू, वी और यू में इसको मैं अलग से ले लेता हूँ, देखो अब वी एंड यू ये मैंने शायद आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है बेटे, ओके ओके मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है कि मैग्निफिकेशन तो 3 times हो जाएगा, लेंस 3 times, एम इज इक्वल टू 3 बेटे, फॉर्मूला ये लग रहा है यहाँ पर, वी अपॉन यू दिस इज इक्वल टू एम, ठीक है ना। और वी यानी कि अब आपको वी यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया है, द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड इमेज 1 is 80 cm, राइट, तो 80 cm का डिस्टेंस, अब ये कॉन्वेक्स है तो इसलिए बेटे यहाँ पर ये आप इसकी वैल्यू को क्या लेंगे, अब माइनस का है तो ये इसको प्लस का लेंगे, राइट। और क्या बोला गया है, द शुड बी द कैंडल प्लेस फ्रॉम द लेंस, राइट, तो 80 cm इसका वी वैल्यू मीन्स आपका इमेज का डिस्टेंस हो गया, ठीक है ना। अब आपको निकालना है डिस्टेंस ऑफ द कैंडल, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, राइट। ये फॉर्मूला मैग्निफिकेशन आपको -3 दे हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। अब इनको सॉल्व करते हैं बेटे, कॉन्वेक्स का है इसलिए, अब इसके बाद यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद ये आप निकाल लेंगे -8/30, तो यू यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी निकल गया है यहाँ पर -80/30। और कुछ भी पूछा है कि व्हाट डिस्टेंस शुड बी, ओके इतना ही पूछा है, आई एम सॉरी, इससे ज्यादा नहीं पूछा है, तो इतना ही काफी है बेटे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। व्हाइल लुकिंग द डायग्राम, ओके, नलिनी कैलकुलेट द फॉलोइंग इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल वन रिफ्लेक्ट वन रे, ओके इन डायग्राम में लेते हैं भाई, एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल द रिफ्लेक्टेड रे ट्रेवल अलोंग विद द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हाइल लुकिंग एट नलिनी कैलकुलेट द फॉलोइंग इमेज, ओके प्रिंसिपल एक्सिस है यहाँ पर है, तो विच वन ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, पहला द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, देखिए कॉनकेव है बेटा, और कॉनकेव मिरर अगर है तो कॉनकेव में क्या होता है बेटा, एफ के पीछे कोई भी इमेज अगर रखी जाती है तो वो कहाँ बनेगी बेटे, एफ और सी के बीच में, तो कहाँ बनती है, अब देखो बेटा वो क्या बनेगी, इधर से जाएगी और एफ से गुजरने के बाद यहां पर कहीं पर वो ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी लाइक दिस, राइट। और इससे वो बड़ी भी होगी और नेगेटिव भी हो, माइनस रिवर्स में जाएगी, यानी कि उल्टी बनने वाली है बेटा। और दूसरी चीज क्या है कि ये इमेज का साइज भी बड़ा होगा और रियल होगा बेटे, लेफ्ट साइड में बनने वाली सारी इमेज रियल होती है, और वर्चुअल इधर इधर होती तो बेटे पॉजिटिव होती है, यानी कि वर्चुअल होती है, और वो फिर सीधी भी होती। तो
तो ये स्टेटमेंट है, तो आप इसको देख ले। अब आपका सी और एफ के पीछे जब भी ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा बनेगा बेटे, यानी कि बिहाइंड द कर्वेचर सी वहां पे बनता है, और इससे थोड़ा बड़ा भी बनेगा, और उसके बाद ये इनवर्स यानी कि उल्टा होगा बेटा। ये तीनों बातें यहाँ पर बनती है और रियल बनती है, ये सारी बातें यहाँ बनती है। अब इसको हम देखते हैं स्टेटमेंट में क्या क्या है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वर्चुअल, तो होगा ही नहीं, तो पहला तो यहाँ पे गलत हो गया बेटे, ये वर्चुअल इमेज नहीं देगा। द रिफ्लेक्टेड रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज द इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। द रिफ्लेक्टेड रे रे विल ट्रेवल अलोंग द सेम पाथ एज इंसिडेंट रे बट इन अपोजिट डायरेक्शन। हाँ ये सही है, जैसे ये क्या है, यहां से इंसिडेंट गई, सपोज अगर ऐसे जाती है तो वो क्या करेगी भाई, वहीं से वो वापिस आ जाएगी, राइट। सी से अगर जाती है तो याद रखना बेटे, सी से अगर कोई पास होती है रेस तो वो वहीं से ही वो रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। हाँ चलिए, तो ये तो हमें सही लग रहा है। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इन्वर्टेड, अब भी मैंने बोलता रियल है तो इन्वर्टेड होगा, यानी कि रिवर्स उल्टा बनेगा बेटे, तो ये इन्वर्टेड वाली बात भी बिल्कुल सही है, तो दो सही हो गए बेटा। और दिस इज अ कॉनकेव मिरर, ये तो सही लग रहा है। एंड हैंस द फोकल लेंथ विल बी नेगेटिव, ये भी बात सही है, तो इधर नेगेटिव भी होता है बेटे, इसका मतलब ये भी सही है। तो कौन कौन सही भी, थर्ड भी, फोर्थ भी और सेकंड भी, तो सेकंड थर्ड फोर्थ बेटा ये लग रहा है आंसर हमारा, राइट। तो चलिए ये आंसर भी हमने कर दिया बेटे। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डायग्राम ले लेते हैं भाई, डायग्राम दिखाओ। यस, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, ये रिफ्रैक्शन का है। अब आपसे कहा है मीडियम 1, 2, 3, 4 अलग अलग मीडियम दिए गए हैं बेटे, इसमें बोला गया है कि ये हमारा मीडियम 1 है, 2, ये 2 है, ये 3 है। और रिफ्लेक्शन में आप जानते हो जब मीडियम चेंज होता है तो बेटा उसका जो डायरेक्शन है, पाथ जो है वो भी डेविएट हो जाता है। अगर वो रेयर है तब तो रेयर और डेंस, रेयर में हमेशा क्या होगा, जो डेंस में होगा वो स्लो भी हो जाती है स्पीड, मैंने बताया था अभी, ठीक है ना। और वो किसकी तरफ हो जाएगा, टूवर्ड्स, अगर डेंस हो जाता है, जैसे ये मान लो अगर ये रेयर है और ये डेंस है तो ये वाला टूवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगा बेटा, राइट। चलो अब पढ़ते हैं क्या क्या बोला गया है। 1, 3 and 4 आर इक्वल, 1 मींस द साइंटिस्ट दैट द डिफरेंट इट इज नोटेड बाय साइंटिस्ट दैट 1 दैट मींस ये एंगल 1 ये वाला एंगल एंड 3 और ये एंगल इक्वल एंड 4 इज आल्सो इक्वल, राइट। तो ये अगर तीनों एंगल इक्वल है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, मीडियम सेम है, क्योंकि रिफ्लेक्शन सेम है, रिफ्लेक्शन अगर जिस एंगल से वो आता है अगर वो सीधा वही एंगल सीधा 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 जा रहा है, दैट मींस ये दोनों इक्वल है, इक्वल है तो बेटे दोनों के मीडियम सेम होते हैं। दैट मींस ये वाला अगर मैं रेयर ले लेता हूं तो ये वाला थर्ड जो है ये हमारे रेयर मिलेगा बेटा, और ये फोर्थ वाला भी रेयर, ये इसी के अंदर आ रहा है, ये रेयर हो गया, ये भी रेयर हो जाता है सपोज। चलिए नेक्स्ट, अब बट 2 इज लेस देन 1, अब 2 कहां है बेटा, ये, और 1 है ये, तो ये इससे कम है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था बेटा, बताइए क्या बोला था मैंने कि जो 2 जो है ना, ये अगर डेविएट टूवर्ड्स नॉर्मल कब होगा, जब ये डेंस होगा, दैट मींस ये डेंस है, 2 इज लेस देन बोला है, इसीलिए मैं चलो अच्छा है मैंने रेयर ले लिया तो ये डेंस हो गया, क्योंकि इससे स्मॉल होने ही चाहिए डेफिनेटली, या उससे बड़ा होता तो फिर ये रेयर हो जाता और ऊपर डेंस हो जाता। चलो अब हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से रेयर और डेंस कहाँ कहाँ पर है, और इसके अलावा कुछ है क्या, अब इसको करेक्ट करते हैं बेटा। चलो अब इस चीज को मैं थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ओहो यहाँ पे छूट गया लगता है, राइट राइट लाइक दिस। तो ये मैंने रेयर लिया, ये डेंस क्यों हो गया समझ में आ रहा है बेटा, यहाँ पर बोला गया है, समझ में आ गया बच्चे, ये आपको बोला गया था इस वजह से। अब ये हमें पता चल गया, ऊपर वाला रेयर है, ये वाला डेंस है, और ये वाला रेयर है, क्यों, 1 और 3 इक्वल है, 4 भी इक्वल है, तो ये भी रेयर हो गया और ये भी रेयर हो गया, और ये लेस देन है तो दैट मीन्स डेंस हो गया, ठीक है ना। अब ये बाहर 4 एक्चुअली ये और ये 4 है, ओके ओके, ये यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे लिया गया है, तो 4 भी इक्वल है, दैट मीन्स ये भी रेयर है, दैट मीन्स ये एयर है, ये एयर है, और ये एयर है, और ये लिक्विड या सॉलिड कुछ होगा,
क्लियर बच्चे। अब मैंने इसको यहाँ बना के भी रख दिया बेटा। अब आपसे सवाल पूछा गया, आप देख सकते हैं मीडियम वन इज डेंसर। मीडियम वन का है भाई ये नॉर्म, मीडियम वन नहीं। आप देखो रेयर ले लिया है ना आपने यहाँ पर, ठीक है ना, तो पहला सवाल यही गलत हो गया। मीडियम टू इज रेयर। अब मीडियम टू का है भाई ये रेयर का है, ये तो है ही नहीं, मीडियम टू तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है बेटे। मीडियम थ्री इज डेंसर। मीडियम थ्री इज डेंसर, ये भी गलत है भाई, मीडियम थ्री तो रेयर है। अब समझ में आ रहा है ना बेटे, वन और थ्री और फोर इक्वल है, तो ये रेयर हो गया, तो ये तीनों वन थ्री फोर भी रेयर ही होने चाहिए ना, तो अब ये भी गलत हो गया बेटे, राइट। ये तीनों तो गलत हो गए, तो अब यही बचना चाहिए, मीडियम वन एंड थ्री आर एसेंशियल द सेम मीडियम। यस, वन थ्री मीडियम तो सेम है, वो तो बोला ही गया था इसमें क्या है, बट मीडियम टू इज डेंसर। यस, ये हमने पता कर लिया था डेंसर है, यस ये डेंसर है, खत्म। तो हमारा आंसर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। 46, द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लेंट इज गिवन। ओके बेटे, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, एल्कोहल का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, व्हाट इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द फ्लेंट ग्लास एंड रिस्पेक्ट टू एल्कोहल। ग्लास का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू का मतलब बेटे रेशियो में करना, और कुछ भी नहीं है, तो दोनों को रेशियो कर दो, जिसका विद रिस्पेक्ट बोला है बेटे वही नीचे आता है, ये हमेशा यूज करना है किसी भी केस के अंदर, तो ये हम कर सकते हैं बेटे। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का मतलब ये होगी जो गिवन सब्सटेंस है और जिसको रेशियो में लेना है, जिसके रिगार्ड में निकालना है आपने, उसको आप नीचे ले लेंगे, तो आपको यहाँ पे दिया 1.6 इधर और 1.36, इसको सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर शायद ये 1.21 यही निकल जाएगा, ठीक है, ये आंसर बी हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। द अबव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 मिलीमीटर इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल, और फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। पूरा न्यूमेरिकल है बेटे, अभी अभी जस्ट हमने प्रैक्टिस करी है, तो आप देखो मैंने एक इमेज आपके सामने बना दी है, तो जैसे ऐसा बोला गया कि लेंस है, फोकल लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है, तो दैट मीन्स मैं सपोज कर ले तो यहां से यहां तक क्या है बच्चो 10 सेंटीमीटर। द ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 2 मिलीमीटर, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इसकी हाइट कितनी होगी यहां से यहां तक, वो द ऑब्जेक्ट हाइट 2 मिलीमीटर, तो इसको हम 2 मिलीमीटर ले लेते हैं बेटे, राइट। अच्छा एक चीज है, यहाँ मिलीमीटर बोला है बेटा, यहाँ पे सेंटीमीटर, इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए अब फ्रॉम द पोल फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। अब हाइट एच इमेज यानी कि इमेज कहाँ बनेगी बेटे, अब ये आपको देखो सीधी सी बात, ये लेंस है, अब यहाँ आपको कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, अब आपको इमेज क्या बनेगा, लार्जर बनेगा, और कैसा बनेगा बेटे, रिवर नहीं इरेक्ट बनेगा, यानी सीधा ही बनेगा और बड़ा बनेगा, राइट। इसका मतलब अब इसकी हाइट डिफरेंट निकलने वाली है बेटे, इसको हम एच सपोज कर लेते हैं, ये हमारा एच आई है इमेज का है, ठीक है, और ये हमें दोनों एच में, इसमें से एच ये दिया हुआ ये निकालना है, तो एक फॉर्मूला है बेटे उससे भी कर सकते हैं। अब उससे पहले हमें और क्या दिया हुआ था, ये एफ दिया हुआ है, अच्छा फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज हो गया, एम द लेंस ऑफ फोकल लेंथ हो गया, हाइट हो गया, एंड प्लेस अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ओके चलिए अब हम फार्मूला यूज करके इजीली निकाल सकते हैं, आप इसमें कुछ ज्यादा तकलीफ वाली बात तो मुझे लग ही नहीं रही बेटे। द एंड इज द प्लेस डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये देखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यू इज ऑल्सो गिवेन, यू इज गिवेन, एफ इज गिवेन, तो कैन यू फाइंड वी, इमेज का डिस्टेंस निकल जाएगा बेटा, हाँ ये भी निकल जाएगा, इमेज का डिस्टेंस वी, तो इमेज का डिस्टेंस निकल गया क्योंकि ये लेंस है, तो अब भी मैंने एच वन का फॉर्मूला कराया था, एच वन इक्वल टू एच अपॉन अपॉन एच टू वाले तरीके, एच ओ सॉरी ऑब्जेक्ट का ले सकते हैं आप चाहे तो, इस तरीके से मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन दे रहा हूँ यहाँ पर आपको। अब देखिए ये वाले फॉर्मूले से आप वी निकालना चाहे बिल्कुल ऐसे निकाल सकते हैं, ये वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/-5 यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अब इनको सॉल्व करेंगे तो वी की वैल्यू निकल जाएगी, अब वी निकल गया, यू निकल गया, तो अब ये एक लेंस का फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का बेटा, लेंस में मैग्निफिकेशन होता है, तो ये पॉजिटिव होता है, मिरर में नेगेटिव होते हैं, बस इसका ध्यान देना है, फॉर्मूले वो सेम चलते हैं। अब इसकी वैल्यू निकालनी, ये आपको निकालना, ये भी दिया हुआ ये निकाला है जस्ट अभी हमने, और यू आपको ऑलरेडी दिया होता है, सिंप्लीफाई करें
और आपका आंसर इस तरह से आ जाएगा, राइट। ये मैंने वैल्यू प्लेस कर दी यहाँ पर, यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करा तो इसकी एच की वैल्यू निकल करके आ गई 4। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको याद रखना है बेटे, लेंस के लिए माइनस होता है, मिरर के लिए प्लस होता है। इसी तरह से मैग्निफिकेशन में ये दोनों प्लस के चलते हैं, अगर ये मिरर का होता तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाता। बस ये याद रख लो, दोनों के फॉर्मूले आपसे आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब एक सवाल है कि केबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टेस्ट करती है और उसको डाटा कुछ दिया हुआ है बेटे, राइट। अब यहाँ पे डाटा दिया हुआ है, केबल मैन्युफैक्चरिंग कौन होते हैं बेटा, जो वायर्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मेटल्स के बारे में कुछ बोला गया है बेटे, क्या है कि मैलेबल है, डक्टाइल है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, मेल्टिंग पॉइंट है। अब मुझे बताओ उसमें केबल मैन्युफैक्चरिंग टेस्टिंग द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, व्हिच ऑफ द एलिमेंट्स आर डिस्कार्डेड। अच्छा अच्छा इनमें से कौन सा रिजेक्ट करना है, यानी कि अगर आपका कौन सा, देखो आप उसने वायर बनानी है बेटा, फैक्ट्री में क्या बनानी है, वायर। तो जो एलिमेंट लेगा यानी कि जो वो मेटल लेगा उसमें क्या होना चाहिए, वायर बनाने की यानी कि डक्टिलिटी बोलते हैं बेटा उसको। अगर आप उसको हैमर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, चपटा नहीं, वो लंबा भी हो सकता हो, अगर उसमें डक्टिलिटी है तो मेरे लिए यूजफुल है भाई, राइट। अगर वो लंबा ही नहीं होता, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो लकड़ी है या पत्थर है उनको तोड़ते हो तो उसे बहुत सारे टुकड़े हो जाएंगे, या प्लास्टिक है वो आपको लंबाई नहीं देगा, टूट जाएगा थोड़े टाइम बाद। तो जो मेटल आपको हैमरिंग करने के बाद, तोड़ने के बाद वो लेंथ में कन्वर्ट हो सकते हो तो उसको डक्टिलिटी कहते हैं बेटा। तो डक्टिलिटी तो होनी जरूरी है, मैलेबिलिटी भी हो जाए तो भी ठीक है, हमारा मेल डक्टिलिटी से है कंसर्न, राइट। अब कहता है डक्टिलिटी होनी जरूरी है। अब दूसरा कहता है कि आपके पास मैलेबिलिटी भी अगर हो जाती है तो क्या है भाई, कोई बुराई नहीं है, चलेगा, कोई बात नहीं, मैलेबिलिटी भी हो जाए भाई, राइट। कंडक्टिविटी, क्योंकि तार बना रहा है तो इलेक्ट्रिक का कंडक्टर भी होना चाहिए भाई, दैट मीन्स ये भी होना चाहिए, ये बात भी सही है, और ये तीनों ऑप्शन सही लग रहे हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट हाई, तो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए, अभी हमने क्वेश्चन किया है, यानी ये चारों प्रॉपर्टी अगर है तो वो वायर बनाने के लायक है वो मेटल। ये सारी प्रॉपर्टी सही लग रही है बेटे, हमें ढूंढना है जो बिल्कुल गलत है। तो अब क्या कहा गया है बेटे, देखो मैलेबिलिटी एक्स वाई, यानी कि तीन गलत बोले गए, ऑफकोर्स एक्स वाई जेड, यानी कि ये तो सही हो गया तो डब्ल्यू तो आएगा ही नहीं, राइट। एक्स और वाई जेड ही आएंगे, तो एक्स वाई जेड कहां है भाई, ये बी आंसर है। इसमें कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर बोला ये नहीं है, मेलोडी ना हो, डक्टिलिटी ना हो, बताओ अगर डक्टिलिटी नहीं हो तार किसकी बनेगी, लंबा हो ही नहीं सकता तोड़ करके, वो मतलब हैमरिंग करके हम उसे पिचका करके लंबा नहीं कर सकते तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो ये प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। उसके बाद यहाँ पर फिर दोबारा डक्टिलिटी बोला है, नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पे डक्टिलिटी चलो बोला है, तो यहाँ पे दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर ही नहीं है, बताओ जो वायर ली है उसमें से इलेक्ट्रिक पास ही नहीं हो सकती, तो वो वायर किस बात किस काम की भाई, तो वो इसलिए ये भी रिजेक्ट हो गया, राइट। यहां से ये रिजेक्ट हो गया, इसलिए ये तीनों के तीनों रिजेक्ट है बेटा, ये भी रिजेक्ट और ये भी रिजेक्ट, एक्स वाई जेड इज योर आंसर। चलिए 49 क्वेश्चन लेते हैं बेटा, 49 क्वेश्चन के अंदर क्या है, चलिए डिस्टेंस इसको तो करने की जरूरत नहीं है खास, अब सवाल पर चलते हैं, मुद्दे का सवाल क्या है, विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट्स विद एसिड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि किसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ये बताना है, बस इतना ही तो पूछना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो मुझे बताओ भाई, पहले ये लेते हैं सोडियम क्लोराइड एंड मास ऑफ सॉलिड प्रेजेंट 28, ओके, किसमें मिलेगा, राइट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बोनेट जिसमें उसी में तो मिलेगा ना, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड किसमें है भाई, ये इसी में तो है और कहाँ है, और कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं तो इसी में मिलेगा भाई, तो कैल्शियम कार्बोनेट आंसर हो गया बेटे, आप समझ पा रहे हैं ना बेटा। तो हमें क्या बोला, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी चाहिए, तो कौन सा मेटल लेंगे भाई, कौन सा कंपाउंड लेंगे, इनमें से होगा ही नहीं, किसमें कार्बन है ही नहीं, दैट मीन्स ये आंसर हो गया हमारा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ओके, इसमें क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट आर प्रेजेंट इन 135 ग्राम ऑफ सॉलिड
लेफ्ट बाय इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर. ओके, एक 135 ग्राम क्या बोला गया है, मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म तो लिया जाए तो हाउ मेनी ग्राम्स. अच्छा मैग्नीशियम में कितना रेशियो मैग्नीशियम का, तो जबकि मैग्नीशियम का तो रेशियो बेटा देखो कुछ और दिया हुआ है. ये देखो टोटल बैक में चलते हैं बेटे, मैग्नीशियम सल्फेट की बात की गई, ये रहा मैग्नीशियम सल्फेट, ये लिया कितना गया बेटे 6 ग्राम. जब वो 6 ग्राम लिया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट बेटा, तो हमारा टोटल जो इसको सबका टोटल जो सॉल्यूशन बनकर के आता है वो 45 है. तो अगर ये मैं 135 लूं तो फिर रेशियो वाला सवाल है बेटा, 6 ग्राम में सॉल्यूशन इतना बनता है, तो 1 ग्राम में डिवाइड कर देंगे 135 से, इंटू कर देंगे तो 135 में कैसे बनेगा. तो सिंपल बेटे वो हमारा रेशियो फार्मूला लगा देते हैं यहाँ पर. देखिए मैं आपको करके भी दिखाता हूँ, जैसे टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है 45 ग्राम है, मैग्नीशियम उसमें कितना होगा 6 ग्राम कंटेन करेगा ना. अगर मैं इसको 135 बर्न करना चाहता हूँ तो 6/45 नीचे आ जाएगा बेटा, और 135 से गुणा कर देंगे, इनको आप सिंप्लीफाई करो आंसर आ जाएगा समथिंग 18 ग्राम. तो ये शायद फिर आपका ये आंसर बन जाएगा. चलिए ये क्वेश्चन हो गया. अब ये क्वेश्चन आपका 15, व्हाट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड. बेटे सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड ब्राइन, ये लाइन तो होगा नहीं बेटे, सोडा भी नहीं होगा. यस ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है जिसमें सैचुरेट सॉल्यूशन आपको मिलता है, राइट. चलिए अब ये आपको पता है सैचुरेट सॉल्यूशन क्या होता है, जिसको फर्दर आप उसके अंदर सॉल्यूट मिक्सअप नहीं हो सकता, डिजोल्व नहीं हो सकता, राइट. चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ एसिड विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज करते हैं उसमें पीएच वैल्यू क्या होगी बेटे, 6 और 8 के बीच में तो बहुत ही कम हो जाएगा पीएच वैल्यू. ये तो बेस है, ये तो बेस है, ये तो हो ही नहीं सकता. और 8 to 10 ये भी बेस है, ये भी नहीं हो सकता. एसिड होना चाहिए ना बेटा, ये इसमें बहुत कम एसिड है तो ये भी नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर है आपका 1 से लेके 3 के बीच में एसिड इतना पीएच वैल्यू होनी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा. ये तो एक्टिविटी है बेटा आपने की हुई है. एक आपको एयर कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर में प्लांट को रख दिया जाता है, राइट साइड में आपको सब बोला गया है, अपना एक्सपेरिमेंट आपको पता है बेटे. तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि आप यहाँ पे प्लेट रखी है जिसके अंदर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा गया है. तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का काम क्या है बेटा, उसका काम क्या होता है, जो इसमें से कहीं से भी हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, CO2 जो निकलेगी उसे ये एब्जॉर्ब कर लेगा, ले लेगा, राइट. अब यहां पर KOH नहीं है तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, उसे कोई एब्जॉर्ब करने वाला है नहीं. तो ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट ही है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है फोटोसिंथेसिस को, ये प्रूव कीजिए, वही एक्सपेरिमेंट तो है, राइट. चलिए बेटा सवाल भी बहुत सिंपल है इसमें होने वाले. अब द एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. ये एक्सपेरिमेंट किसके लिए किया जा रहा है बेटे, कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट करने के लिए, राइट. ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, अगर होता है तो करता है, जैसे कि यहाँ देखें आप. चलिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ शायद, ये देखो यहाँ पर क्या है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड इसने ऑब्जर्व कर ली तो इसको मिलेगा नहीं तो ये मर जाएगा, ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वो ले रहा है, ऑब्जर्व कोई कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगा बस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. द फंक्शन ऑफ KOH, अब भी बताया बेटे एब्जॉर्ब करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करना ही है, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं. द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शो द करेक्ट रिजल्ट ऑफ आयोडीन परफॉर्म लीफ फ्रॉम अरे आयोडीन का टेस्ट हुए तो बताया ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, वो डालोगे आयोडीन उसके अंदर तो क्या कर देता है बेटा, वो कलर ब्लैक कर देता है, ब्लू ब्लैक कलर आ जाता है, वो अभी आपको पता है. बहुत सिंपल, पहले ही टेस्ट यही है एक्टिविटी का, तो इसे तो आप बिल्कुल आप मिश के आप कर ही लेंगे बेटा, इसे भी आप रख देते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट. एयर टाइट एपरेटस यानी कि जो अभी एक्सपेरिमेंट हमने यहाँ पे किया है, ये इसको आप मैं अंदर चाहता हूँ कि एयर ना आए, तो मैं इसके यहाँ से चारों तरफ सील प्रॉपरली लगाऊंगा ना, चारों तरफ बंद कर दूंगा, कहीं से भी लीकेज ना हो, उसे फेविकोल आ गए, ऐसे कुछ चीज लगा के, तो वो इसलिए वो लग गया है. तो यहाँ पे देखिए प्लेसिंग द प्लांट हम ग्लास प्लांट में रख देंगे, बिल्कुल सही है, ग्लास के अंदर रख देंगे तो ग्लास में एयर जा नहीं पाएगी, ये वाली सही बात है. यूजिंग सक्शन पंप लगाएंगे तो बेटा उससे हवा कितनी खींच सकते हैं बेटा, वो पॉसिबल नहीं है, सही नहीं है एक्चुअली.
अप्लाइंग वैसेलिन टू सील द बॉटम। यस, ये वाला बॉटम वाला हिस्सा है, तो यहाँ पे कुछ वैसेलिन लिक्विड लगा देंगे ताकि सील हो जाए। ये सही है, तो ये वाला ठीक है। तो क्रिएट वैक्यूम, क्रिएटिव वैक्यूम कैसे क्रिएट करेंगे? आई थिंक ये ही सही है, फर्स्ट और थर्ड ही ऑप्शन बेस्ट है, तो फर्स्ट एंड थर्ड में ये आ जाएगा, राइट। चलिए, ये तो बहुत ही हलवा सवाल था, इसको तो रहने देते हैं, सवाल तो शायद ही पूछे जाए। चलिए, अब इसके अंदर आपसे पूछा गया, नूर यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोस्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट एंड द एक्स रेस इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पर एक्स रेस है, इनसाइड में है, इस मीडियम से निकलती है। अच्छा, यहाँ गौर से देखिए बेटा, अगर सीधी जाती है तो ऐसे जाएगी, अगर सीधी जाती है तो ऐसे जाती, तो इसका मतलब ये इधर से कुछ निकलना था, इसको सॉरी ऐसे ले लेते हैं। तो कहने का मतलब बेटे, यहाँ अगर एक रे यहाँ से जाती है, तो यहां से सीधा जाने के बजाय वो अब यहां से जा रही है, या थोड़ा सा ऊपर से जा रही है, यहां से लगा लो, मैं यहां कर देता हूं बेटे। यस, लुक एट दिस, अब एक रे है यहां से, इधर से एंट्री करती है, अगर वो सीधा यहां से जाती है तो यहां से निकलना चाहिए था, यहां से ना निकलने के बजाय वो अब यहां से ऊपर से कहीं से निकल रही है, राइट, या इस तरह से निकल रही है। तो एक्चुअल में वो निकलना कहां से चाहती है? वो सीधी जाती है, बिल्कुल सीधा जा रही है, तो यहां ऐसे निकलना चाहिए, तो इसके इसमें ये गैप आ गया बेटा, राइट। इस गैप को ही आपको पूछा गया लेटर डिस्टेंस, राइट। चलिए, हेल पॉइंटर सेज दैट द लैब्स इन द शी हैड अ स्मॉल बटर पेपर स्क्रीन स्पॉट इन द। क्वेश्चन क्या है भाई? चलिए क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। What would the X does that place inside the box to make the race behave as shown? अच्छा, ये जो behave दिखा रहा है, ये वो किसकी वजह से दिखा रहा है? ये parallel sided glass block को बोलते हैं बेटा इसको। ये parallel जाती है, यहाँ से यहाँ तक क्या होना चाहिए था? यहाँ इधर आना चाहिए था। तो ये और ये हमेशा parallel ही होंगे, ऐसा नहीं है कि ये लाइन ऐसी चली जाए, ये और ये parallel होती है, राइट। और ये डिस्टेंस जो है डिपेंड करता है इसके अंदर मीडियम कौन सा है, कितना डेंस है, राइट। चलिए, तो ये आंसर भी हो गया हमारा क्लियर। ये मैंने कुछ एग्जांपल, हाँ, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करिए। देखो, यहाँ से मीडियम बदल गया अंदर, तो ये एक्चुअल तो यहाँ से जाना चाहिए था बेटा, राइट, लेकिन अब वो डेविट हो गया यहाँ से, अब फिर दोबारा इसको फॉलो करेगा इसी एंगल को, इसी एंगल से निकलेगा, जिस एंगल से आई और थीटा इक्वल होंगे, तो ये बिल्कुल सेम आएगा, तो ये इसके पैरल हो जाएगा। ये डिस्टेंस जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बोलते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है मेंटेन रहेगा इक्वल पैरेलली, राइट। तो ये डिपेंड भी करता है इसके डेंस एरियाज पर, ये जितना डेंस कम होगा, डेंसिटी से कम होगी, उतना ये नजदीक, उतना ये नजदीक होता चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। शी मेजर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंट बोथ इन द लेफ्ट साइड एंड दिस लेफ्ट साइड से एंगल उसने किया 48 एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उसका है एक्स इनसाइड 10 1.5। लेफ्ट द एपेक्सिव वैल्यू ऑफ एंगल रिफ्रेक्शन निकाला बेटे, स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? क्या है? साइन आई अपॉन साइन आर, राइट, यही है ना स्नेल्स लॉ का, तो वो लगा देते हैं बेटे, बस खत्म। उसमें दो आपको वैल्यू दी है, एक आपको निकालनी है, बहुत सिंपल है बेटे। ये इंडेक्स आपको दिया गया है और साइन आई इंसिडेंट एंगल बोला है, तो ये साइन आई आ जाएगा, आर आपको निकालना है, तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं बेटे। अब साइन आई यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ बेटे, राइट। तो इसके बाद ये देखो, मैंने आपको ले लिया 1 पॉइंट, अब आपको यहाँ 48.6 की वैल्यू, साइन 48.6 डिग्री समथिंग वो दिया ही हुआ है बेटे, देगा भी आपको, राइट, पॉसिबल ही नहीं है वो, राइट, या फिर 30 दे देगा ऐसे राउंड वाले, 30 45 वगैरह। अब इसको आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आर की वैल्यू निकल जाएगी हाफ। आप बताइए साइन आर हाफ कब होता है बेटा? ये ट्रिग्नोमेट्री है, राइट, 30 डिग्री पर होता है। आंसर हो गया आपका 30 डिग्री, तो ये आंसर भी आपका निकल गया बेटे। चलिए, ग्लास इज ऑप्टिकली रेयर देन एयर, ऑब्जर्वेशन बताना है। तो ग्लास क्या ऑप्टिकली रेयर होता है एयर से? नहीं बेटे, ग्लास तो डेंस होता है ना, ज्यादा गाढ़ा होगा भाई, मोटा होगा, तो यानी ये स्टेटमेंट गलत है। एयर एंड ग्लास अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम विद सेम वेलोसिटी, नहीं, दोनों में, ग्लास में वेलोसिटी कम हो जाती है डेंस वाले में, तो ये भी गलत। एयर इज ऑप्टिकली रेयर देन ग्लास, एयर जो रेयर होता है ये सही है, ग्लास से हाफ बिल्कुल सही है, ये आज स्टेटमेंट सही है बेटा। नाउ स्पीड ऑफ लाइट टू ए डेंसर मीडियम इज फास्टर, डेंसर मीडियम कहाँ फास्टर होता है बेटा? वहां तो भी बताया ना मैंने, ये भी गलत। द नेक्स्ट क्या है? द रेशियो
साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन द फर्स्ट मीडियम टू बी द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है, इन सेकेंड मीडियम, ठीक है, गिव्स द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, बिल्कुल सही है, अभी तो बताया सुनील स्लो, यही तो है ना बेटे, आई साइन आई ऊपर और साइन आर नीचे आता है, तो ये हमारा सही है बेटे। अब आपसे पूछा कौन कौन से सही है, तो बता दिया हमने बेटे, वो आप बता सकते हैं, तो पहला गलत हो गया था बेटे, दूसरा गलत है, तीसरा सही है, और चौथा गलत है, और पांचवा यानी कि थर्ड एंड फिफ्थ आंसर सही है, थर्ड एंड फिफ्थ आर करेक्ट, ये हो गया आंसर। चलिए ये रहा आपका लास्ट सवाल, इफ द ऑब्जेक्ट इनसाइड द बॉक्स वाज मेड ऑफ मटेरियल विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन 1.5, अब भी हमें सवाल कराया था बेटे हमने, यहाँ पर देखो बेटे अच्छा अच्छा ये रह गया सवाल, चलिए अगर आपका ये इंडेक्स हमने सॉल्व किया है ना, यहां से ये कोई भी एंगल बनता है, सपोज मैं यहां से लेता हूं कि रेस आती है, इंसिडेंट रेस वो इधर से निकलेगी, आपको पता ही है, अब ये इस पर डिपेंड करता है कि ये अंदर जो मीडियम हो कितना डेंस है, कितना रेयर है, जितना रेयर होगा उसके बीच में लेटरल डिस्टेंस ही उतना कम होता चला जाता है, अगर डेंसर हो तो रेयर उसका लेटरल डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, तो ये जितना हल्का होगा ठीक है ना वो उतना ज्यादा डिस्टेंस कम होता चला जाता है, तो सीधी सी बात है, तो 1.5 से नीचे करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा बेटे, लेटरल शिफ्ट ऑफ द रेस वुड बी लेस हो जाएगा, ऑफ कोर्स लेस हो जाएगा, अगर 1.5 से कम हो रहा है उसकी जो इंडेक्स जो है कम आ रहा है तो डेफिनेटली बेटे वो क्या होगा रेयर होता चला जाएगा अंदर वाला सबस्टेंस, ठीक है ना, उसकी वजह से क्या होगा ये डिस्टेंस भी हमारा लेस होता चला जाएगा, तो हमारा ये आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया था बेटा जिसमें मेरे को एक्चुअली डायग्राम नहीं मिला था, तो मैंने वो डायग्राम उठा लिया है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए तो यहाँ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक कहाँ होता है, तो गौर से देखो लाइम स्टोन है, यहाँ पे हीट दी जाती है पहले, जब दी जाती है तो एब्जॉर्ब होता है, तो फिर उसके बाद यहाँ पर देखो CO2 निकली है, दैट मीन्स गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये एक्सोथर्मिक, तो पहले एंडोथर्मिक होगा फिर एक्सोथर्मिक होगा बस, चलिए तो एंडोथर्मिक भी है और एक्सोथर्मिक भी है, तो पहले एंडोथर्मिक फिर बाद में एक्सोथर्मिक, तो सी वाला आंसर सही। तो ये रहे बेटे सवाल, कुछ सवालों में थोड़ी जल्दी करने की कोशिश करी है, तो कोई बात नहीं, अगर एक आध थोड़ी कहीं स्लो फास्ट है तो आप प्लीज वीडियो को स्लो फास्ट अपने अनुसार कर लेना, अगर कोई चीज एक्सप्लेनेशन में अगर कमी दिखती है तो बहुत सारे सवालों को एक साथ समेटने की वजह से ऐसा होता है, तो उसमें अगर कुछ होता है तो आप माइंड ना करें बेटा, आराम से जब कम सवाल होते हैं तो हम आराम से एक्सप्लेन करते हैं, समझाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो जब इतने सारे सवाल एक साथ किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन कहीं ना कहीं कमी से दिखने लगती है, ऐसा है तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम आपसे फिर चैप्टर वाइज MCQ के में साथ आप सब मिलेंगे, थैंक यू सो मच बच्चों साथ देने के लिए।